हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद द थर्ड व्लॉग। आज ईद का तीसरा दिन है और आज तीसरा व्लॉग बन रहा है। मुसलसल आपके साथ तीन दिन से तीन व्लॉग मैं शेयर कर चुका हूँ। पहले दिन भी ईद का व्लॉग बनाया था, दूसरे दिन भी, और आज तीसरा दिन है और आज भी व्लॉग आपके साथ बनाया जा रहा है। बिस्मा देखें झाड़ू लगा रही है, घर की सफाइयाँ कर रही है, बिस्मा झाड़ू लगा रही है, जबकि अहमद आज बाइक की सफाई कर रहा है। पिछले काफ़ी दिन जो है नींद कंप्लीट नहीं हुई थी और आज रात जो गुजरी है तो ये पहली रात है कि जिस रात में आज काफ़ी सोया हूँ। सुबह 7 बज गए हैं अब और 7 बजे मैं उठा हूँ। वो भी कॉल आई थी अब उन लोगों की तो उन्होंने मुझे जगा दिया, वरना अभी भी मैं सो रहा था। और अब जाऊँगा दूध लेने के लिए, बच्चों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो दूध ले कर वापस आऊँगा। तो फिर तो नाश्ता वाश्ता हो गया है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और बच्चों ने बिस्किट खा लिए हैं, रस खा लिए हैं, इसके अलावा केक थे तो वही खा के बच्चों ने गुजारा कर लिया। और अभी आज सिस्टर के घर जाना है, ईद का तीसरा दिन है तो अपी कल नाराज़ हो रही थी कि आप हमारे घर नहीं आए हैं, तो आज उनके घर जाना है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ज़रूरी काम है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक तजर्बा है जो मैंने करना है। तो उसके लिए मैं एक कपड़ा लेके आया था, ग्रीन स्क्रीन जिसको बोलते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं काफ़ी दिनों से कपड़े की तलाश में था कि कोई ऐसा कपड़ा मिल जाए मुझे जिससे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया जा सके। तो ग्रीन स्क्रीन में लेके आया था लेकिन ग्रीन तो नहीं मिली भाई, इस तरह का ब्लू कलर जो बैकग्राउंड पे वो देख रहे हैं तो इस तरह का ब्लू कलर मुझे मिला। तो ब्लू कलर भी रिमूव हो जाता है लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट आज करूँगा। तो तजर्बा करते हैं, आप लोग भी साथ रहें, देखते हैं कि किस तरह से वो रिमूव होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले इस ब्लू कलर के कपड़े को मैं चेक करूँगा, इसके बाद फिर एक और ग्रीन कपड़ा भी है ये वाला, तो इस ग्रीन कपड़े को भी टेस्ट करेंगे क्योंकि आज एक्सपेरिमेंट डे है ना, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहीं पे दीवार के साथ ही गुजारा करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ब्लू कलर के स्क्रीन जो है बैकग्राउंड पे लगा दी है और अब मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूंगा और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूंगा। इसको रिमूव करने की सबसे बड़ी वजह ये है, ये एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक और क्रिकेट अपडेट्स का चैनल भी है, तो उस पर मैं जितनी वीडियोज़ भी बनाता हूँ तो वो इसी तरह से सिंपल बैकग्राउंड होता है। तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा कलराइज किया जाए, तो उसके लिए फिर बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो अगर ये ब्लू कलर या ग्रीन स्क्रीन का कलर हो तो इसके ज़रिए उसको रिमूव किया जा सकता है। तो अब ये ब्लू कलर का था, अब इसको रिमूव करके आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि अच्छा रिमूव होता है या नहीं होता। अब दूसरा कपड़ा लगाते हैं ग्रीन वाला। अब ग्रीन कपड़ा भी मैंने लगा दिया है, इसको ग्रीन स्क्रीन अब बोल सकते हैं हम। तो ये ग्रीन कपड़ा भी लगा दिया है, अब इसको रिमूव करूंगा और इसको रिमूव करके भी ट्राई करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। ब्लू कलर वाले का रिज़ल्ट अच्छा होगा तो ब्लू कलर वाला कपड़ा जो है इसको मैं रख लूँगा और इसको यूज़ करूँगा बाद में अपनी जो क्रिकेट अपडेट्स वाला चैनल उसके लिए। और अगर वो सही से रिमूव नहीं होता, ये ग्रीन वाला होता है, तो इसको रख लूँगा। और अगर दोनों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर दोनों कैंसिल कर दूँगा और फिर कोई और कपड़ा लेके आऊँगा। तो अभी हम निकल रहे हैं अपनी सिस्टर के घर जाने के लिए और यहाँ से आपी के घर चले जाएंगे और वहीं पे जाके इसको ग्रीन स्क्रीन को, ब्लू स्क्रीन को रिमूव करूँगा और वहीं पे जाके बैठ के तसली से ये सारा काम करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि किस तरह से अगर बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, ग्रीन स्क्रीन को, ब्लू स्क्रीन को रिमूव करना हो तो कैसे किया जाता है। मैं खुद पहली बार एक्सपेरिमेंट करूँगा इसको आपके साथ। के हैं आप ही के घर और यहाँ पे अब उस वीडियो को मैं जो बैकग्राउंड था उसको रिमूव करूँगा और इसके साथ ही आज के ब्लॉग को फिनिश करूँगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द किसी और ब्लॉग के साथ।